हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आया हूँ विज्ञान प्रदर्शनी में, और ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी स्वेच्छी शिक्षा विभाग गोरखपुर 5 मार्च 2022। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं, बेसिक के तो बच्चे आए, बेसिक विभाग के और प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे आए हैं, देख सकते हैं आप सामने। गेस्ट आने बाकी हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ एक प्रोजेक्ट पर, बच्चे से जान लेते हैं। ये प्रोजेक्ट देख लीजिए, और मैं बच्चे के पास आया हूँ। तो आपका क्या नाम है और कहाँ पढ़ते हो? हाँ, जिला गोरखपुर। बेटा आपने क्या बनाया है? पॉल्यूशन। कैसा पोल्यूशन? ये जो 4 प्रकार के पोल्यूशन है। हाँ, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ठीक है, और हम शुरू करते हैं पहले लैंड पोल्यूशन से। ठीक है, बोलो। ये जो कचरा होता है सब हम लोग जाकर कूड़े में फेंकते हैं, पॉलीथीन में बांध कर। पॉलीथीन ना ही सड़ता है ना ही गलता है, इसीलिए उसको जलाने पर भी कार्बन जो धुआं निकलता है वो भी खराब होता है। और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नॉइज पोल्यूशन पे। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन जो होता है वो शोर डीजे वजे जो बजाते हैं उसके 40 डीसीएम से जब ज्यादा कहते हैं तो उससे हमारे कान का पर्दे फटने की चांस रहती है। उसके बाद आते हैं हम फिर फैक्ट्री है, एयर पोल्यूशन पे है। एयर पोल्यूशन जो होता है वो उसमें जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब बहुत ही खराब होता है, जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़े में जाकर गंदगी फैलाती है। ठीक है, फिर उसी से वाटर पॉल्यूशन, गंदी पानी भी जाती है। उसके बाद वो तालाबों में जाती है, मछलियाँ भी मर जाती है उससे, तालाबों का पानी सब्जियों में जाता है, सब्जियों जैसे सब्जियाँ खराब कर देता है, इसलिए सब्जी भी इसमें बहुत ही कम मात्रा में मिली है। और ये जो गाड़ी वगैरह आती है इसके धुएं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन, इतने गैसे इससे निकलती है, इसकी वजह से हम लोग को श्वासन संबंधित बीमारियाँ होती है। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड।